डॉक्टर सीताराम चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के हमारे जो विद्यार्थी हैं जिनका एक महत्वपूर्ण पेपर है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, और उसके अंदर हम फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर फ्रांसीसी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से रिलेटेड इस टॉपिक के माध्यम से हम इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्ष शासन व्यवस्था का एक निश्चित रूप है फ्रांस से, जिससे संपूर्ण शक्तियां भारत की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें प्रधानमंत्री संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है। वैसे ही प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट सिस्टम में संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग अमेरिकन राष्ट्रपति अमेरिका में देख सकते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति के रूप में। इस प्रकार फ्रांस में राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है, दोनों की अलग अलग भूमिकाएं हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मूल्य पर राष्ट्रपति पद के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है। फ्रांस के गणतंत्र गणना उन देशों में की जाती है, उन देशों में की जाती है जहाँ विलक्षण कार्यपालिका पाई जाती है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र में यह पहले ही बताया जा चुका है कि राष्ट्रपति पतीय और संसदीय कार्यपालिका का समन्वय है। अतः संसद प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होते हुए भी मंत्रिपरिषद अब इतनी प्रभावपूर्ण व उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी ब्रिटेन व भारत में है। यद्यपि सिद्धांत में मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ एवं उसके कार्य उतने ही व्यापक है जितने कि वास्तविकता में कार्यपालिका के होते हैं, परंतु राष्ट्रपति की प्रधानता के कारण व्यवहार में मंत्रिपरिषद की स्थिति अत्यंत ही अनिश्चित व अस्पष्ट है। यानी भारत और ब्रिटेन की तरह वहाँ की प्रधानमंत्री इतना पावरफुल, वहाँ की पार्लियामेंट्री इतनी पावरफुल नहीं है। पंचम गणतंत्र में तीसरे अध्याय के अनुसार सरकारों की चर्चा की गई। वस्तुतः मंत्रिपरिषद ही सरकार है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 20 में उल्लेख किया गया है कि सरकार राष्ट्र की नीति का निर्धारण करती है तथा उसे कार्य रूप में परिणित करती है। प्रशासन एवं बाह्य सुरक्षा का एक विशिष्ट दायित्व है। अपने इस दायित्व के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। उसकी नियुक्ति, उस कार्यों का विस्तृत विवरण, उसका ये संपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री करता है। अतः प्रधानमंत्री सरकार का अध्ययन प्रधानमंत्री है के अध्ययन से ही सरकार का अध्ययन माना जाता है। पंचम गणतंत्र के प्रधानमंत्री का पद संसदात्मक शासन व्यवस्था में पाया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में ये पद शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ है। ये पद हमें ब्रिटिश शासन प्रणाली की मान्य परंपराओं का स्मरण दिलाता है। यदि फ्रांस में पंचम गणतंत्र के संविधान में इस पद से संबंधित अनेक विलक्षणाएं विद्यमान हैं। नियुक्ति, चतुर्थ गणतंत्र का जो संविधान में संसदीय नमूने का था और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता था। नियुक्ति के उपरांत प्रधानमंत्री के प्रथम कार्य विभिन्न दलों व समूह के नेताओं के विचार विमर्श करके अपने लिए असेंबली है बहुमत का समर्थन जुटाना था। असेंबली में मतलब इतना कोई ज़्यादा उसका गणतंत्र में उसका रोल नहीं था। सिद्ध करने के बाद अपने इस मंत्रिमंडलीय निर्माण करता था। इस प्रकार चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था, किंतु बहुमत के समर्थन की पुष्टि उसे असेंबली में करनी होती थी, जो साधारणतः एक कठिन कार्य था। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त करना भी अब उसके लिए आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं हो सकता।
नए संविधान में प्रधानमंत्री को पदच्युत का अधिकार भी राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को हटा भी सकता है। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे तो राष्ट्रपति उसे कार्यभार से मुक्त कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार जब राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली निंदा प्रस्ताव पारित करती है या सरकारी कार्यक्रमों पर सरकारी भांति सामान्य वक्तव्य की अस्वीकार करती है तो प्रधानमंत्री को अपनी सरकार का इस्तीफा गणतंत्र के राष्ट्रपति को जरूर देना चाहिए। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। उत्तरदायित्व किसकी प्रत्यायित्व? संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री विशेष तभी तक पदासीन रहता है जब तक संसद में उसका बहुमत होता है। बहुमत का समर्थन को देने पर उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। संसद मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे भंग कर सकती है। यह उत्तरदायित्व सामूहिक होता है, किंतु फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान के 49 और 50 में स्पष्ट लिखा है कि संविधान में इस व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था के न अपनाने जाने का सीधा परिणाम है। इन अनुच्छेदों में उत्तरदायित्व की चर्चा इस प्रकार है। अनुच्छेद 49 के अनुसार प्रथम पैराग्राफ में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली में अपने कार्यक्रम पर सरकार के दायित्वों की घोषणा करते हैं। यदि ऐसा निश्चय होता है तो नीति को सामान्य घोषणा करते हैं। द्वितीय पैराग्राफ में लिखा है कि नेशनल असेंबली निंदा प्रस्ताव पारित कर सरकार के दायित्वों को चुनौती देती है। निंदा प्रस्ताव सिर्फ तभी वैध है जब उस पर नेशनल असेंबली को कम से कम 10 सदस्यों में हस्ताक्षर किए। प्रस्ताव पेश होने 48 दिन के भीतर मतदान नहीं हो सकता। निंदा प्रस्ताव के समर्थन वाले मतों को ही गणना होती है और ये भी तभी पारित होता है जब इन असेंबली का बहुमत मिले। यदि निंदा प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है तो उसे सत्र में ऐसा प्रस्ताव पुनः प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, एक बार लेने के बाद दोबारा नहीं ला सकते। किंतु यदि निंदा प्रस्ताव राष्ट्रपति परिषद के पूर्ण बहुमत को स्वीकार कर लेती है तो वह कार्यक्रम अपना सामान्य नीति की घोषणा का महत्वपूर्ण प्रलेख को अस्वीकृत कर देती है तो प्रधानमंत्री गणतंत्र के राष्ट्रपति को सरकार का त्यागपत्र देता है और ये विघटित माना जाता है। ये प्रावधान इसके अंदर किया गया है। वस्तुतः पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रीय परिषद अथवा प्रधानमंत्री इसके सरकार को अभ्यस्त करने का ये अधिकार असीमित है। संविधान निर्माताओं को आशंका थी कि परिषद का ये अधिकार कई सरकारों को निष्क्रिय न बना दे, जिस निष्क्रियता का फ्रांस को एक लंबा कटु अनुभव था। यही कारण है कि परिषद संबंधी संविधान में इस कर्तव्यों को अनुच्छेद 49 में दिया गया। इस प्रकार फ्रांस के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री का रोल राष्ट्रपति के इर्द गिर्द ही घूमता है। धन्यवाद।